नजर आपके साथ खास पेशकश में आपका स्वागत है। कैप्टन छोड़ेंगे कुर्सी। नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद से ही कांग्रेस में खींचतान बढ़ गई थी। खास तौर से कैप्टन के विरोधी गुट ने दूसरी बार मोर्चा खोल दिया है, जबकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कैप्टन की कैप्टेंसी के खिलाफ 40 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान भी अब कैप्टन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस आलाकमान हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान शुरू हो गया है। सिद्धू और कैप्टन गुट के बीच चल रही बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद भी सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं कैप्टन गुट के विधायक भी एक्टिव हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 5 बजे होनी है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने खेमे के विधायकों के साथ दोपहर 2 बजे बैठक करने वाले थे, जो बाद में रद्द कर दी गई। जिसके बाद कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन पर बात कर विधायक दल की बैठक पर अपनी नाराजगी जताई। तो वही सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान पंजाब में हिंदू कार्ड खेल सकती है। इसमें सुनील जाखड़ का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे है। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकमान को कहा कि अगर 2022 को चुनाव की अगवानी और मुख्यमंत्री चेहरे से हटाने की कोशिश की तो पार्टी से इस्तीफा देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सम्मानजनक विदाई के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे या फिर विधायक दल की बैठक में ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। बागी ग्रुप अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भारी पड़ा और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी तो पंजाब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये भी होगा कि कमान किसे सौंपी जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर कैप्टन की कैप्टेंसी गई तो ये कमान किसे मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के रणनीतिक सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट करके जरिए कहा कि पंजाब के विधायकों के पास 4.5 साल के बाद कांग्रेसी सीएम चुनने का मौका है। साफ तौर पर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर से कांग्रेसी होने को ही इनकार कर दिया। मुस्तफा बोले कि 2017 में पंजाब ने कांग्रेस को 80 MLA दिए, इसके बावजूद कांग्रेसियों को आज तक कांग्रेसी सीएम नहीं मिला। मुस्तफा ने यह तक कहा कि करीब 4.5 साल में कैप्टन ने पंजाब और पंजाबियत के दर्द को दिल से नहीं समझा। मुस्तफा ने कहा कि 80 में से 89 विधायकों के पास सम्मान पाने और जश्न मनाने का मौका है। तो 89 विधायकों के जश्न मनाने का मौका। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम चुनने का मौका, ये बात मुस्तफा ने कही है। और 80 में 89 खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट, और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त तरीके का घमासान देखने को मिल रहा है, और ये घमासान क्या रुख लेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और कुछ पल कुछ क्षण जिसे कह सकते हैं मैं, क्योंकि खबर ये है कि कैप्टन अमरिंदर राज्यपाल से मिल सकते हैं और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं। उसके बाद उनका क्या कदम होगा, पंजाब का कैप्टन अब कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और पंजाब कांग्रेस से